इस बैल के पैर में कई दिनों से एक प्लास्टिक का डब्बा फंसा हुआ था और वह उसके मांस को काटता ही जा रहा था। यह बेचारा बेजुबान दर्द से अंदर ही अंदर तड़प रहा था। घड़ी पे शाम के 6 बजने वाले थे और हम सभी अपने अपने घर जाने की तैयारी में लगे हुए थे कि रेस्क्यू लाइन पे घंटी बजी। कॉलर ने बताया एक बैल के पैर में डब्बा फंसा हुआ है जिससे पैर में जख्म बन गया है और वह गहरा ही होता जा रहा है और अगर हम अभी के अभी उसके पास नहीं आए तो बैल दोबारा ढूंढ पाना मुश्किल हो जाएगा। हम फौरन ही रेस्क्यू पर निकल गए। जब हम वहां पहुंचे तब वो बैल वहां से गायब हो गया था। साहिल भाई कहाँ है? अभी ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रहा ना, तो भी आगे जा रहे हैं। थोड़ी देर ढूंढने के बाद वो हमें एक ग्राउंड में मिला। बैल के पिछले पैर में एक दही का डब्बा बुरी तरह से फंस गया था और उस डब्बे को निकालने के लिए हमें बैल को बेहोश करना पड़ता। साहिल ने डार्ट गन रेडी करी और उसे दागने के लिए बैल के करीब जाने लगा। वो बैल घास खा रहा था और साहिल ने उसकी गर्दन पर निशाना लगा के ट्रिगर दबाया, पर वो डार्ट उसकी गर्दन में लगकर छिटक गया। जब हमने देखा तो वो डार्ट गन में लगा इंजेक्शन आधा खाली हो गया था। हमें मालूम था कि इतने बड़े बैल का आधे नशे की दवाई से कुछ नहीं होगा, पर डॉक्टर गुलशन ने कहा कि असर बिना देखे डार्ट फिर से नहीं मार सकते हैं क्योंकि बैल ओवरडोज से मर भी सकता है। हम लगभग 20 मिनट रुके यह देखने के लिए कि दवाई का असर कैसा हो रहा है। 20 मिनट के बाद वो थोड़ा सुस्त हो गया था तो हमने बिना समय गवाए रस्सी से उसे पकड़ने की कोशिश की, पर वह भागने लगा। अंधेरा बढ़ता जा रहा था और बैल को पकड़ना और भी मुश्किल हो रहा था, पर हमने अपनी कोशिश नहीं छोड़ी। रात के करीबन 8 बज चुके थे और वह बैल अभी भी हमारे हाथ नहीं लगा मिला? था। मिल तो रहा है पर अंधेरे में, रस्सी जो है वो प्रॉपर डाल नहीं रही, अंधेरे में दिख ही नहीं रहा। भागते भागते वह एक स्कूल के ग्राउंड में घुस गया। उस स्कूल की तीन तरफ से दीवारें थी और एक तरफ से खुला था। हमने अपनी गाड़ी को स्कूल के मेन गेट से अंदर करके मेन गेट को बंद कर लिया जिससे बैल के पास सिर्फ एक ही रास्ता हो भागने का, जहाँ पे हमारे लोग उसको रोकने के लिए खड़े रहेंगे। साहिल ने डार्ट गन फिर से रेडी कर ली। यह हमारा आखिरी मौका था, अगर हम चूके तो मिशन फेल। बैल हमें दूर से देखकर ही भाग जा रहा था, इसलिए इस बार हमने डार्ट गन गाड़ी पर चढ़कर चलाने का फैसला लिया, पर वो बैल बिल्कुल स्थिर नहीं रह रहा था जिसके कारण हम डार्ट गन से निशाना नहीं लगा पा रहे थे। हमने डार्ट गन तानी पर वो फिर से आगे बढ़ गया और हम जैसे जैसे उसके नज़दीक जाते थे वो हमें देखकर दूर भाग जाता। उसने हमारी ओर मुड़कर देखा लेकिन उसका गर्दन अभी भी सामने नहीं था। जैसे ही उसने अपनी गर्दन मोड़ी वैसे साहिल ने डार्ट गन दाग दी और वह ठीक जाके उसकी गर्दन पर लगा, पर जैसा कि हमारा डर था डार्ट गन लगते ही बैल उसी ओर भागा जिस तरफ दीवार नहीं थी। यह देखते ही साहिल तुरंत बैल के पीछे भागा ताकि बैल अंधेरे में खो ना जाए। उस बैल को हमने एक घर के करीब घेर लिया जहां से उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। हम लगभग 15-20 मिनट रुके और अपनी रस्सियां तैयार रखी कि जैसे ही वो बेहोशी की अवस्था में आए हम उसे पकड़ लें। इस बार रस्सी डालने में थोड़ी दिक्कत हुई पर हम कामयाब रहे। हम जब उस डब्बे को निकालने लगे तो वह इतना ज़्यादा जोर से मांस में घुसा था कि वो बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहा था। जब भी हम उस डब्बे को बाहर खींचते तो वो बेचारा बैल दर्द से तिलमिला उठता। आखिरकार हमने उस डब्बे को निकाल ही लिया। जब देखा तो उसका घाव ताज़ा था और उसमें मैगट्स लगना शुरू नहीं हुए थे। हमने वहीं पे उसकी क्लीनिंग की और उसको पट्टी कर दी। भले ही हम अपनी दूध की आदत को नहीं छोड़ पा रहे हैं पर इतना तो कर ही सकते हैं कि कूड़े को इधर उधर ना फेंके जिससे कि इन भूखे बेजुबानों का कम से कम थोड़ा कष्ट तो दूर हो सके।
हम बहुत शुक्रगुजार हैं नानक जी का, जो हमें समय समय पे ऐसे ज़रूरतमंद जानवरों के रेस्क्यू के लिए बताते हैं, और जब तक वो बेसहारों की मदद नहीं हो जाती हमारे साथ रेस्क्यू करने में अंत तक डटे रहते हैं।